दिल कभी कभी इत्तेफाक में हो गया है गुनगुन के साथ में बहुत बड़ा हादसा। आकृति ने और उसके पापा ने मिलकर गुनगुन के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है और कर ली है उसी के फियांसी के साथ में सगाई। यहाँ पर सरप्राइज देने के बहाने से गुनगुन के और उसके पापा को, बुआ को, सबको बुलाया जाता है और ये प्रिटेंड करती है आकृति अपनी माँ के सामने कि ये सब कुछ तो एक पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड था और मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, मैं तो गुनगुन को अपनी शादी में इनवाइट करना चाहती थी। तो दूसरी तरफ माया जैसे ही गुनगुन और उसके पापा घर पहुँचते हैं और पीछे से बुआ भी उसके पीछे पीछे ही चली जाती है आकृति को छोड़ कर कि तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती है, गुनगुन की परवरिश मैंने की है और तेरी परवरिश किसने की है ये तो साफ झलक रहा है। आकृति काफी नौटंकी करने की कोशिश करती है और उसका जो भोला सा चेहरा है उसके पीछे की साजिश उसकी माँ को साफ समझ आ रही होती है। लेकिन अब देखने को मिलेगा कि अनुभव को ये सब कुछ दिखावा नहीं दे रहा है और उसे लग रहा है कि गुनगुन ही गलत है और वो गुनगुन को गलत समझ बैठा है। तो वहीं पर गुनगुन के सामने माया सारे क्लिप चलाती है और दिखाती है कि अनुभव और आकृति पहले से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। यहाँ पर उस गुनगुन के पापा उसे बचाने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ नौटंकी बंद करते हैं, लेकिन माया एक के बाद एक साजिश रचती है, यहाँ पर खुलासी करते नजर आती है कि आकृति और अनुभव दोनों ही मिलकर, यहाँ पर अनुभव तो पहले से ही इसको धोखा दे रहा था, वो तो घर वालों के प्रेशर में आकर इससे शादी कर रहा था, नहीं कि वो गुनगुन से प्यार करता है। तो देखने को मिलेगा कि गुनगुन इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, बिना कुछ कहे गाड़ी को बहुत गुस्से में लेकर निकलती है और वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुकी है और उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है अनुभव के धोखे की वजह से और उसे भी यही लग रहा है कि अनुभव ने धोखा दिया है। तो वही गुनगुन के पापा फ़ोन करके वो पूछते हैं अनुभव के घर पर, जहाँ पर अब सबको पता चल जाता है कि गुनगुन निकली और कहीं नहीं मिली है। तो वो उसे अनुभव कहता है कि वो तो पार्टी करने निकली होगी, वैसे भी उसे ब्रेकअप से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पार्टी करने ही गई होगी, लेकिन गुनगुन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है जिससे कि उड़ जाएंगे सबके होश। देखना होगा कि किस तरह से आकृति का सच अनुभव के सामने आता है या फिर अब क्या नौटंकी शुरू होती है।